हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी माहेश्वरी नंदिनीज किचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई प्रीमिक्स पाउडर, जो घर पर बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। और इस पाउडर से हम ठंडाई के अलावा और भी बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। ये पाउडर बनाने के बाद में मैं आपको इसे ठंडाई बनाना भी बताऊंगी। ठंडाई पाउडर बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाजू में बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। तो चलिए बनाते हैं ठंडाई प्रीमिक्स पाउडर। ठंडाई प्रीमिक्स पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच खरबूजे के बीज, 10 से 15 काली मिर्ची, थोड़ी सी केसर, 2 बड़े चम्मच पिस्ते, एकदम हरे वाले पिस्ते लिए हैं इसमें मैंने, 2 चम्मच देसी गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ और 7 इलायची और 2 चम्मच छोटी वाली हरी सौंफ। और इसमें मैंने लिए 20 बादाम, 1 कटोरी जितनी शक्कर और 1/4 कप जितने काजू के टुकड़े। ये सभी सामग्री लेकर के और हम इनसे ठंडाई प्रीमिक्स पाउडर बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले ग्राइंडर जार में डाले हैं काजू के टुकड़े, बादाम, पिस्ता। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ, इलायची, सौंफ, काली मिर्ची, खरबूजे के बीज, खसखस और थोड़ी सी केसर। इसके बाद में मैं 2-3 पंखुड़ियाँ बचाऊंगी केसर की। अगर आपको केसर इसमें साथ में नहीं पीसनी है तो आप पाउडर बनने के बाद में भी उसे क्रश करके डाल सकते हैं। अब इसे ढक्कन लगा के हम पीस लेंगे। इसे हमें बंद चालू करने वाले प्रोसेस से पीसना है, एकदम से नहीं चलाना है। उससे ये गर्म हो जाता है और इसमें सारे नट्स का ऑयल रिलीव हो जाता है। आप देखिए इसमें सारे नट्स वैसे की वैसे हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। शक्कर हमने इसमें पहले डाल के नहीं पीसा है। अब शक्कर डाल के फिर 1 मिनट तक वही प्रोसेस करना है, बंद चालू वाला। तो ये हमारा ठंडाई प्रीमिक्स पाउडर बनके रेडी है। कितनी जल्दी बन गया ना। और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसे हम ठंडाई बनाने के अलावा आइसक्रीम में, केक में और भी स्वीट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ठंडाई डिलाइट। मैं आपको आगे और भी चीज़ें बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 2 गिलास जितना दूध। अब हम ठंडाई बनाएंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच जितना ठंडाई प्रीमिक्स। मैं इसमें 1 गिलास में 1 चम्मच जितना ठंडाई प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये इसका एकदम परफेक्ट रेशो है। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच जितनी मलाई, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें। फिर इसे हैंड ब्लेंडर से हम चर्न कर लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको चर्न करना है, जिससे इसमें एकदम फ्लफी और झागदार बन जाए ये। बस ठंडाई बनके तैयार है। अब हम इसे गिलास में डालेंगे। मैंने इसमें आइस यूज नहीं किया है, आप चाहे तो आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। इसकी जगह पे मैं हमेशा एकदम ठंडा दूध ही यूज करती हूँ। आइस डालने के बाद में थोड़ा सा पतला हो जाता है। फिर इस पे डालेंगे गार्निश करने के लिए थोड़ी सी केसर की पंखुड़ियाँ। थोड़े से कटे हुए पिस्ते, या आप दूसरा कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, बादाम या काजू। फिर इसे 1-1 गुलाब की पंखुड़ी डाल के सजा देंगे और एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड ठंडाई तैयार है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बनाने में भी बहुत इजी है।
इसे हम 3 से 4 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में भर के और स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये इतने दिन टिकती भी नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है, पर इससे हम आइसक्रीम बना सकते हैं, इसे हम केक में यूज़ कर सकते हैं, इससे हम और भी कई तरह की स्वीट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये ठंडाई प्रीमिक्स और ठंडाई पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिल